मासूमियत और जिज्ञासा और कौतूहल से भरे हैं। कहानी का शीर्षक है एक नदी की प्रेम कथा। बरसात का मौसम था और मैं फूल कर कुप्पा हो गई थी। मेरे तो पैर ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। इतराती इठलाती भागती ही जा रही थी। कभी एक किनारे पर चढ़ जाती तो कभी दूसरे पर उछल कूद मचाती। किनारे भी मुझसे डरने लगे थे कि कहीं उन्हें रौंद कर ना निकल जाऊं। न जाने कहां कहां से कौन सी गली और कौन से मोहल्ले से पानी की सैकड़ों धाराएं मुझ में आकर मिल गई थीं और उनसे बल पाकर मैं कुछ ज्यादा ही बल खाने लगी थी। मैंने पहाड़ पर निशाना साधा। सामने वाले पहाड़ से मेरा पुराना बैर था। सालों से वह मुझे सता रहा था। वह ऊपर तन कर खड़ा था और मैं नीचे घाटी में बहती थी। हर बार बरसात के मौसम में जब मुझ में पानी भर जाता तो मैं उछल कर थोड़ा सा उसके करीब पहुंच जाती, पर उसके मुकाबले ठिगनी ही रह जाती। तब पहाड़ मुझे पिद्दू कहकर ठेंगा दिखाता था। बदले में मैं भी उसे गंजू महाराज कहकर चिढ़ाती थी। ना कोई पेड़, ना पौधा, ना परिंदे और ना ही कोई जीव। वह था ही पूरा श्रीमान वीरान गंजा कहीं का। पर उसने क्या सोचा था, मैं हमेशा नीचे ही बहती रहूंगी। पता नहीं कैसे इस बार मुझ में इतना पानी आ गया है कि पलक झपकते ही गंजू महाराज तक पहुंच सकती हूँ। आज उसके मुंह पर अपनी लहर से प्रहार ना किया तो मेरा नाम सतलुज नहीं, चाहो तो मेरा नया नाम रख देना, शतुद्री कैसा रहेगा। वैदिक युग में भी तो मेरा यही नाम था, क्यों मेरे 100 हाथ जो थे। वैसे पहाड़ की शक्ल बिगाड़ने के लिए मेरा एक हाथ ही बहुत है। यह तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। आखिर यह हम नदियों का खानदानी पेशा जो ठहरा। सदियों से हम पहाड़ों को घिस घिस कर खरोंच खरोंच कर समतल बनाती आई हैं। यही तो हमारा असली काम है। तुमने क्या सोचा था, हमारा काम बस इतना है कि बर्फीले पहाड़ों से पानी भरकर लाएं और उसे ढोकर सबकी प्यास बुझाते हुए सागर तक छोड़ाए। पीपल राम की ठिठोली, कहाँ चली? किसी ने मुझसे कुछ कहा क्या, मुझे बुलाया क्या? लगा तो ऐसे ही। इससे पहले कि मैं लहर घुमा कर पुकारने वाले को देखती, कोई जैसे मेरे कान में चिल्लाया, अब सुन भी लो, ऊंचा सुनने लगी हो क्या बुढ़िया डार्लिंग। डार्लिंग तो ठीक है, पर ये बुढ़िया कहने की हिम्मत किसने की? मैंने गुस्से से मुड़कर देखा तो पीपल राम था। क्या बात है, आजकल तो तुम देखकर भी नहीं देखती गुड़िया डार्लिंग, उसने शब्द बदल दिया। क्या करूं, इन दिनों मैं अपने ही शोर से थोड़ी बहरी हो गई हूं। मैंने मजाक किया, जब तुम दूर थी तब तो तुम्हें दूर से पुकारना ही पड़ता था, अब बरसात के कारण दिल के करीब पहुंच गई हो फिर भी नहीं सुनती, उसने ठिठोली की। बड़ा मस्त पेड़ है पीपल राम, पुरानी दोस्ती है हमारी। पास रहे या दूर रहे, अपने सुख दुख बांट ही लेते हैं। मेरे किनारे पर वह अकेला ही बसा है, कोई इंसान इस तरफ फटकता तक नहीं। भूतों का डेरा मानकर सब डरते हैं। बस एक हवा है जो उसके पत्तों में डोलती फिरती है और एक नया पंछी है हरियल। पीले पंजे और हरे पंखों वाला निराला कबूतर है हरियल। हर वक्त पैरों में छोटी सी टहनी पकड़े रहता है, बैठता भी उसी पर है और उसे ही थामे उड़ जाता है। शायद डरता है कि छोड़ देने पर टहनी भी तमाम पेड़ों की तरह कहीं गायब ना हो जाए। बेचारे ने पीपल राम की टहनियों में घर भी बना लिया है। पर हरियल है बड़ा खबरिया, इधर उधर की सारी खबर रखता है, सच्ची झूठी सारी। जरूर कान लगाकर हमारी बातें सुन रहा होगा। मैं उसे सुनाने के लिए जोर से बोली, हरियल जो है तुम्हारा नया किराएदार, उसे सुनाओ अपनी बातें। पीपल राम का मुंह उतर गया। अरे अरे तुम तो उदास हो गए, मैंने उसे प्यार से गुदगुदाया। याद करो कितनी रातें मैंने तुम्हारे कदमों तले बिताई हैं और कितनी सुबह तुमने मेरी जड़ों को भिगोया है।
पीपल राम फिर खुशी से डोलने लगा। हम पुरानी यादों में खो गए। मुझे याद आ रहा था जब तेज धूप ने मेरी बूंदों को भाप बनाकर उड़ा दिया था और मेरा सारा पानी सुखा दिया था। उसने मुझे किस तरह तसल्ली दी थी, बोला था बस कुछ ही दिनों की बात है, गर्मी आएगी तो बर्फीले पहाड़ों की बर्फ पिघलेगी, पानी किनारों से तुम तक पहुंचने के लिए दौड़ लगाएगा, फिर बरसात आएगी, गर्म हवा तुम्हारी जिन बूंदों को उड़ा कर ले गई है वे बादल बनकर बरस जाएंगी और तुम्हारे पास लौट आएंगी। मौसम बदलते हैं तो सबके दिन फिर जाते हैं। वर्षा ऋतु आने से मेरे दिन तो बदल गए हैं, पर ये गंजू महाराज नहीं बदला, उल्टे सूख कर अकड़ गया है, इसे तो मजा चखाना ही होगा। बहुत बड़ी गलतफहमी। गंजू महाराज की अकड़ निकालने के अपने प्लान में मैंने पीपल राम को भी राजदार बनाने का फैसला किया। देख रहे हो गंजू महाराज को, इतने दिन उसने मेरी नींदें खराब की हैं, उसका भयानक चेहरा सपनों में आकर मुझे डराता है, कितना खूंखार लगता है ना, मुझे तो उदास लगता है बेचारा, कोई संगी साथी नहीं रहा उसका, ना कोई पेड़ ना झाड़ झंकार, उस पर अब कुछ भी नहीं उगता, अकेला पड़ा रहता है। तुम क्यों नहीं दोस्ती कर लेती उससे, पीपल राम ने कहा। अब रहने भी दो, मुझे देखकर तो वह बुरी बुरी शक्ल बनाता है, मैंने तो उसे तोड़ने का इरादा कर लिया है। रुको तो मेरी बात तो सुनो, तुम्हें गलत फहमी हो गई है, पीपल राम ने अपनी डाल बढ़ाकर मुझे रोकने की कोशिश की। हाँ बहुत बड़ी गलत फहमी, कहीं से हरियल की आवाज आई, पता नहीं कब वह डाल पर आकर बैठ गया था, बोला वीरान पहाड़ इन दिनों वाकई बड़ा दुखी है। गंजू महाराज दुखी क्यों है भला, मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए कि वह अब इतना मजबूत नहीं रहा, इस बार जवाब पीपल राम ने दिया। कभी उसमें घना जंगल हुआ करता था, ढलान पर जो बस्ती है ना, वहां के लोगों ने एक एक करके उसके सारे पेड़ चुरा लिए, फिर बदलते मौसमों ने उस पर कहर ढाया, तभी तो उसकी शक्ल इतनी डरावनी लगती है, वह तुम्हें चढ़ाता थोड़े ही है, उसका तो चेहरा ही ऐसा हो गया है। मैं सोच में पड़ गई, कहीं पीपल राम सची तो नहीं कह रहा। हाँ याद आया, पहले तो गंजू महाराज पर बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे, तब उसकी शक्ल ऐसी नहीं थी। और क्या, हरियल बोला, श्रीमान वीरान तो खुद तुमसे डरा हुआ है, पता नहीं कब तुम एक छलांग मर उस तक पहुंच जाओगी, उसे जोर से धक्का दोगी और वह बिखर जाएगा। सच, एक पल तो मुझे खुशी हुई, फिर पता नहीं क्यों मुझे श्रीमान वीरान पर तरस सा आने लगा। बिल्कुल सच, अब की पीपल राम बोला, पता है अगर पहाड़ बिखर गया और तुम उसे तोड़कर आगे निकल गई तो ढलान की पूरी बस्ती को अपने साथ बहा ले जाओगी। जरा इंसानों की सोचो, बेचारे तुम्हारी पूजा करते हैं, तुम्हें फल फूल चढ़ाते हैं, मजाक मत करो, दुनिया जहान का गंद डाल डाल के कूड़ेदान बना दिया है मुझे, कितना सुंदर रंग था मेरा, नीला नीला उजला उजला पारदर्शी झिल मिलाता और पानीदार, झांको और अपनी शक्ल देख लो, इससे पहले कि मैं अपने मटमैले और भूरे रंग को देखकर उदास हो जाती, पीपल राम ने बात हंसी में उड़ा दी। सच, कितना उजला रंग था तुम्हारा, मैंने खुद कई बार तुम में झांक कर अपनी मूछें सवारी हैं। मैं मुस्कुराई, फिर कुछ याद आने पर बोली, और ये बस्ती वाले तुम्हारे लिए बेचारे कब से हो गए, पहाड़ के सारे पेड़ तो वे खा गए, तुम्हें भी यही सोचकर छोड़ दिया था कि तुम पर भूतों का डेरा है, भला गंजू महाराज को भी बस्ती वालों की चिंता क्यों होने लगी, उसे गंजा बनाने वाले वही तो हैं, मैंने इन्हें यहाँ से बहा भी दिया तो वे कहीं और जाकर बस जाएंगे। पगली कहीं की, पहाड़ को यही चिंता सता रही है कि जैसा बर्ताव बस्ती वालों ने उसके साथ किया वैसा ही हाल ये उसे उसके किसी भाई बंधु का करेंगे, हरियल बोला। पीपल राम ने समझाया, खैर उजाड़ना इंसानों की फितरत है, हमारी नहीं, हमें अपना सब कुछ बांटने में मजा आता है, पर इंसानों को छीने बिना संतुष्टि नहीं मिलती, वे हमारी तरह नहीं बन पाते, ना बने, हम भला उनके रंग में क्यों रंग जाएं? एक नया मास्टर प्लान। पूरी रात मैं सो नहीं पाई, इसलिए नहीं कि गंजू महाराज मुझे देखकर शक्लें बना रहा था, बल्कि इसलिए कि मेरे पानी में झांकता उसका चेहरा मुझे आईना दिखा रहा था। मुझे पीपल राम की बात याद आ रही थी कि मैं इंसान नहीं, मैं तो नदी हूँ,
प्रकृति के अद्भुत संतान हूँ, मैंने तो देना ही सीखा है। अब मैं एक नया मास्टर प्लान बना रही हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं पीपल राम के बीच किसी तरह गंजू महाराज तक पहुँच जा सकूँ, या फिर हरियल पक्षी से ही पूछ कर देखूँ कि उसने कुछ बोना उगाना भी सीखा है या नहीं। मैं पहाड़ के किनारों को रोज थोड़ा भिगो आऊँ और हरियल अपने पीले पैरों में कुछ बीज वहाँ ले जाए और अपनी चोंच से मिट्टी में बो दे। अरे मैं तो भूल ही गई, अगर हरियल पीपल के बीज या फल को खा ले और श्रीमान वीरान पहाड़ पर अपनी बीट कराए तो उससे भी बच्चे पीपलू उग आएंगे। हरियल को बोलना पड़ेगा एक नहीं, जगह जगह बीट करे, बार बार बीट करे। बेचारा बीट कर कर के थक जाएगा, कितना मजा आएगा। फिर बीट से बीज बनेंगे, उनसे धीरे धीरे अंकुर फूटेंगे, धीरे धीरे पेड़ बनेंगे, तब पहाड़ की सूरत बदल जाएगी, उस पर हरियाली छा जाएगी और वह बदशकल नहीं रहेगा। पर सवाल यह है कि वह खुद को कुल्हाड़ी वाले इंसान से कैसे बचाएगा? आपके पास भी कोई प्लान है क्या? कोई इससे भी अच्छा आइडिया हो तो मुझे भी बताना। धन्यवाद।